तो दोस्तों ये जो मेन रोड है ये NH6 रोड का साथ कनेक्शन है। दोस्तों यहाँ पर मेरा शॉप है और दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा शॉप का जो राइट साइड, तो ये मेरा गोडाउन घर है और ये सब पर मैं सर्विस करता हूँ। आज आपको देखूंगा ये जो डेल कंपनी का जो मॉनिटर आप देख रहे हो, ठीक है, ये डेल कंपनी का जो मॉनिटर, ये 15 इंच एक मॉनिटर पिक्चर ट्यूब है, तो ये पिक्चर ट्यूब को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कन्वर्ट करके मैं जो चाइना PCB इंस्टॉल होता है CRT TV का, वो मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसीलिए ये जो मेरा शॉप का सामने ये इसका बैक कवर सब कुछ ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका अंदर जो PCB है ओरिजिनल PCB आप देख सकते हो, इतना सा इसका कनेक्शन रहता है, इसी तरह कनेक्शन रहता है। तो ये बहुत दिन से पड़ा हुआ मेरा गोडाउन का अंदर था, तो ये मैं बाहर किया और आपको पूरा वीडियो के अंदर देखाऊंगा कि ये सब ओपन करने के बाद, ठीक है दोस्तों, कैसे ये कॉइल को कन्वर्ट किया जाता है। फाइनल दोस्तों मेरा टेबल पर ही लेके आया, आप देख सकते हो इसका ऊपर ये जो ढक्कन है, तो इसको आप सावधानी से ओपन करना पड़ेगा, तो ये टूट जाएगा फट जाएगा तो कोई बात नहीं, ये प्लास्टिक का है। और दोस्तों ये साइड करने के बाद इसका अंदर जो धूल और मिट्टी जैसा ये देखा जाता है, ये सब साफ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा सब कुछ क्लियर करके देखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। कि दोस्तों मॉनिटर जो पिक्चर ट्यूब जिसका योकल रहता है, वो योकल को कन्वर्ट करने के बाद तब आप चाइना PCB और मार्केट का जो कलर TV PCB वो आप कनेक्शन कर सकते हो। तो इसीलिए फर्स्ट ये जो कॉइल है, ये कॉइल को आपको कट करके बाहर करना पड़ेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जिस तरह दिखा रहा हूँ इस तरह करेगा तो आप भी कुछ भी मॉनिटर पिक्चर ट्यूब को कन्वर्ट कर सकते हो। बार दोस्ती वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये पिक्चर ट्यूब थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका जो ये कॉइल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये कॉइल मैं बाहर कर दिया और उसके बाद आपको जो देखना पड़ेगा कि इसका अंदर जो चारों वायर है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल योक कॉइल कनेक्शन का जो वायर है, इसका अंदर ये जो वायर देखा जाता है ये ऊपर रहता है बट ये नीचे इसका कनेक्शन ये देखा जाता है। तो चलिए मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्टेज नहीं करूँगा। और ये वीडियो के अंदर आपको देखाऊँगा कि ये कॉइल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका ब्लू रेड ये हॉरिजेंटल का और दो अलग वर्टिकल का, ठीक है। तो इसका नीचे एक कवर है प्लास्टिक का, ये कवर भी आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत दिन से पड़ा ही हार्ड हो गया, तो ये कवर को आउट करने के बाद इसका जो कनेक्शन से इसे पता चल जाएगा कि कौन पोजीशन पर इसका कनेक्शन है। तो इसका अंदर जो चारों वायर है आप अच्छा करके देखिए, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ से जो चारों वायर का कनेक्शन आप देख सकते हो, ये चारों वायर का कनेक्शन यहाँ से किधर चला गया, ये अच्छे करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसीलिए ये देखिए, ये चारों वायर को इधर बाहर किया, ठीक है, रेड और ब्लू हॉरिजेंटल का और येलो और ब्राउन, तो दोस्तों ये वर्टिकल का। तो दोस्तों वर्टिकल कॉइल का वो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, कि जिस तरह है वही रखना पड़ेगा, सिर्फ इसका जो वायर है थोड़ा सा रख के आपको इसी तरह कट करना पड़ेगा, ये थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल जो वायर है रख के आपको कट करना पड़ेगा, ये वर्टिकल का पॉइंट है। और हॉरिजेंटल का जो कनेक्शन आप देख सकते हो ये नीचे साइड है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही कॉइल में कन्वर्ट करके वीडियो बना के देखा है, जिसका जो ऊपर पोजिशन ये रेड और ब्लू वायर था, बट अभी ये पिक्चर ट्यूब का जो योक कॉइल का कनेक्शन देखिए नीचे है, राइट साइड रेड है और लेफ्ट साइड देखिए ब्लू ये देखा जाता है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट से ये दो कलर वायर को निकालना पड़ेगा, तो चलिए मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, यहाँ से देखिए मान लिया एक वायर ये पॉइंट पर कनेक्शन है, ठीक है, ये ब्लू वायर का पॉइंट ये ऊपर पोजिशन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये ब्लू वायर का पॉइंट ये ऊपर पोजिशन है, ये नीचे से घुमा के ऊपर आ गया और रेड वायर वो नीचे पोजीशन है, अब देख सकते हो कि इसी तरह इसका कनेक्शन है। तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ये जो पॉइंट है इसको सोल्डरिंग को ओपन करूँगा, ठीक है, मैं आयरन से ही हीट करके ओपन करूँगा। और इसका वायर इसका अंदर से चला गया, ठीक है, दो वायर इसका अंदर है। फाइनली दोस्तों आपको जो देखना पड़ेगा, आपको जो करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ये जो रेड पॉइंट है
ये रेड पॉइंट का कनेक्शन कौन पोजीशन पर था, ये पॉइंट पर, ठीक है। इसका अंदर दो वायर था, दो कॉइल का वायर, ये जॉइंट इसी तरह था। यहाँ से मैं ये दो वायर को ओपन किया, अब देख सकते हो कुछ भी मॉनिटर का ये कॉइल हो सकता है, तो उसका अंदर इस तरह दो वायर आप लोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो वायर को मैं बाहर किया। तो दोस्तों ये दो वायर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन पोजीशन पर कनेक्शन किया जाता है, ये भी आपको देखूंगा, बट आपको देखना पड़ेगा ये रेड पॉइंट पर दो कॉइल आपको कुछ भी कल देखने को मिलेगा। और दोस्तों ब्लू वायर का पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट से मैं ब्लू वायर को निकाला। अभी ये दो पॉइंट को कौन पोजीशन पर कनेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं मीटर लेके चेक करूँगा, चेक करने के बाद आपको देखाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हूँ कौन पोजीशन पर कनेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्लियर करके समझाऊंगा, बट ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों ये वायर कनेक्शन करने का पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये जो साइड है, ये साइड पर एक कॉइल रहता है, देखिए आप अच्छा करके देखिए, साइड पर एक कॉइल रहता है। तो दोस्तों ये कॉइल टीवी बनाने के लिए ये पिक्चर ट्यूब के अंदर ये कॉइल काम पर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, नहीं तो मैग्नेटिंग का बजाय ये कॉइल के अंदर जब सप्लाई आएगा तो ये कॉइल के अंदर, तो दोस्तों ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक पीएफ रहता है, हो सकता है कुछ ये कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है तो ये जल जाता है, तो डरने का कोई बात नहीं। तो पहले से ही मैं ये कट कर दिया। कट करने के बाद दोस्तों इसके अंदर जितना कॉइल है, जो कॉपर का, जो कॉपर का होता है, तो ये मैं बाहर काट लूँगा। इसीलिए दोस्तों काटा लेके मैं इसी तरह मैं धीरे धीरे काट किया। काट करने के बाद ये जो कॉपर का दोस्तों वायर आप देख सकते हो, ठीक है, इसका मार्केट का प्राइस भी ज़्यादा है, तो आप अलग सा ये सेल कर सकते हो। तो चलिए मैं ये वायर को बाहर काट लेता हूँ, ठीक है। बाहर काटने के बाद आपको देखूँगा कि ये कभी ये टीवी बनाने के लिए ये जो कॉइल काम पर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बाहर करने के बाद अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा कि अब कॉइल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं ये साइड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो दो पॉइंट है आपको कनेक्शन करके देखूंगा, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये जो पुराना वाला पीसीबी है इसको मैं टोटली कनेक्शन कर दिया, और मैं थोड़ा कन्फ्यूज था इसलिए मैं पूरा कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए फर्स्ट ये पोजीशन पर जो दो वायर था, देखिए छोटा वाला और एक बड़ा वाला जो वायर था, तो इसके अंदर ये ओनली जो बड़ा वाला वायर है, ठीक है, ये ओनली बड़ा वाला जो वायर है, ये वायर लेके देखिए मैं अभी टेस्ट किया, ये जो लास्ट वाला पिन है, ये जो कोना वाला पिन है, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो कोना वाला पॉइंट है यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो इसी तरह डेल कंपनी का जो मॉनिटर है, ठीक है, यह पर मैं ज्वाइन कर दिया, ये किसी के साथ टच नहीं होना चाहिए। बाद में मैं सोल्डरिंग करूँगा टेस्ट करने के लिए, मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है, जो ओपन है, यहाँ पर जो कनेक्शन था, इसके अंदर मैं रेड वायर कनेक्शन किया, मतलब हॉरिजेंटल का जो रेड वायर। तो दोस्तों ये जो रेड वायर है इसको मैं यहाँ पर कनेक्शन किया अभी, और जो ब्लू वायर है, यहाँ पर जो ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर को मैं देखिए यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये ब्लू वाला पॉइंट, ये सबसे लास्ट वाला यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। और हॉरिजेंटल का, सॉरी, ये हॉरिजेंटल का हो गया, और वर्टिकल का जो दो पॉइंट है यहाँ पर, ये देखिए वर्टिकल का जो दो पॉइंट है यहाँ पर मैं कनेक्शन किया, ये वर्टिकल कॉइल का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। तो दोस्तों ये वर्टिकल पॉइंट कौन सा है, ये फर्स्ट आपको जो कट करके देखा है ये पोजिशन, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रख के मैं कट किया, क्योंकि इधर उधर ना हो जाए। देखिए ये पॉइंट है ये वायर का, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का, ठीक है। तो ये वर्टिकल का हो गया, और हॉरिजेंटल का ये पॉइंट पर कनेक्शन करने के बाद, तो दोस्तों इसका साथ और इसका साथ देखिए ये नीचे चला गया, इसका अंदर चला गया, रेड वायर यहाँ पर है, ब्लू वायर यहाँ पर है। ये करने के बाद इसका जो मॉडिफाई इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देकर आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया, और आप देख सकते हो स्क्रीन का अंदर कि देखिए आप स्क्रीन देख सकते हो इसका ब्लू लाइट ओके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका फ्रूटेक लिखा ये पीसीबी का जो लोगो है ये उल्टा है, क्योंकि ये जो वर्टिकल का पॉइंट है ये मैं मेंशन करके नहीं लिखा नहीं लगाया, ठीक है। तो पिक्चर उल्टा हो जाएगा तो आपको सही से लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं टेस्ट करने के लिए अभी मैं जिस तरह की आपको दिखा रहा हूँ,
ठीक है दोस्तों। तो यही इसका कनेक्शन है। चलिए ये सब पॉइंट को मैं सोल्डरिंग कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हो ये पुराना वाला पीसी है जिसको मैं एक वीडियो के अंदर रिपेयर करके देखा है कि पिक्चर ट्यूब का एक प्रॉब्लम था, नो लाइट प्रॉब्लम, ठीक है। तो नो लाइट प्रॉब्लम उसका पिक्चर ट्यूब प्रॉब्लम है। तो ये जो पिक्चर ट्यूब देखिए मॉनिटर का ये जो कैबिनेट है, यह से मैं अभी ओपन नहीं किया, तो ये मॉनिटर को मैं ये कैबिनेट ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद तो दोस्तों उसका जो कैबिनेट है उसका अंदर मैं लगाऊंगा। इसका ये कॉइल आप देख सकते हो पूरा अलग से ये कॉइल है, ठीक है दोस्तों।